नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश। दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ और एक आपको अलर्ट करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, टाइप 21 के बारे में ये चीज़, तो फिर ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक की वीडियो में, यानी कि पहले के वीडियो में भी बताया है कि टाइप 71 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टैंक है और इनफैक्ट इस समय मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट हैवीज़ है। इसके पास मोबिलिटी है, आर्मर है, गन है, सब कुछ है इसके पास और ये बेस्ट टैंक है ड्राइव करने के लिए टियर 10 पे, हैवी टैंक की बात करें तो। लेकिन दोस्तों, अब ये केस और होने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ये टैंक ग्राइंड कर रहा है, यानी टाइप 71 जो भी ग्राइंड करना है, वो लोग तो जानते हैं कि टाइप 71 का ग्राइंड आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टाइप 71 का जो ग्राइंड है वो पेनफुल है। बात कर ले अगर टाइप 68 की, छीसे की, छीसा की, जो भी टैंक है, वो सारे टैंक्स ही ग्राइंड करना आसान नहीं है। और आप लोग में से जो भी वो ग्राइंड कर रहा है टाइप 71 के लिए, अभी के अभी रुक जाओ क्योंकि दोस्तों ये टैंक बहुत ही बड़ा नर्फ रिसीव करने वाला है अगले अपडेट में, जो कि होने वाला है बस अगले हफ्ते या फिर अगले के अगले हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, टाइप 71 का जो मोबिलिटी है वो 25% डिक्रीज होने वाला है, यानी कि इसका जितना भी स्पीड था वो 25% डिक्रीज होने वाला है, यानी कि ये टैंक काफ़ी ज़्यादा स्लो होने वाला है। और दोस्तों, बस इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी क्या क्या होने वाला है वो ये है कि इसका इंजन पावर डिक्रीज़ होने वाला है, यानी कि वो 25% डिक्रीज होगा, अब इंजन पावर डिक्रीज़ हो गया, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होने वाला है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ इसका वेट भी बढ़ने वाला है 10 टन या कुछ ऐसे ही, यानी कि इसका वेट भी इंक्रीज़ होगा और इसका इंजन पावर भी डिक्रीज़ होगा, इसका स्पीड तो डिक्रीज़ होगा ही, यानी कि ये टैंक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते ऑफकोर्स, बट कह सकते हैं कि लगभग IS-7 के करीब या फिर IS-7 से भी कम ही या फिर मान सकते हैं ये टैंक काफ़ी स्लो होने वाला है, यानी कि इसको एक्सेलरेशन में टाइम लगेगा और साथ में इसको स्पीड पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ होने वाला है टाइप 71 के साथ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब इसके बाद ये टैंक इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा और OP जो अभी तक ये ब्रोकन कैटेगरी में आता था, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि आर्मर तो ठीक है, समझ में आता है कि ये एक हैवी टैंक है, लेकिन वो मोबिलिटी जो था वो इसको बहुत ज़्यादा ब्रोकन बना देता था, क्योंकि ऑफकोर्स आप मोबिलिटी है तो फिर आप विगल अपने टैंक को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं या फिर आप अपने टैंक को बहुत जल्दी स्पीड में पहुंच जाते हैं, अपने कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं या फिर अपने टैंक को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं या फिर कहीं भी अपना पोजीशन बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, तो फिर ये ब्रोकन बना देता है इस टैंक को। लेकिन अब क्योंकि ये अपने पोजीशन पर इतना जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, अपने टैंक को इतना जल्दी विगल यानी कि हिला उला नहीं पाएगा, तो फिर लोगों के लिए आसानी हो जाएगा इसके ऊपर एम करने का, यानी कि इसके जो लोअर प्लेट है उस पर एम करने का, जो कि छोटा सा है लेकिन छोटा सा वीक स्पॉट है, लोगों के लिए आसानी होगा अब उसको एम करना। और साथ में आप जानते हैं कि कितना बड़ा टैंक है, अगर आप देख सकते हैं इसको, इस साइड से बहुत ही ज़्यादा बड़ा टैंक है, लगभग माउस के बराबर है। तो फिर साइड से अब ये तो वैसे ही ईजी था पेंटेट करना, क्योंकि साइड से तो कोई आर्मरी कैरी खास करता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स सामने से जो करता था, तो फिर अब इस टैंक के ऊपर एम करना आसान हो जाएगा और इस टैंक को पेनिट्रेट करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टैंक अपना मोबिलिटी के साथ साथ अपना बहुत कुछ लूज़ करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको अगले अपडेट, यानी कि अगले एक हफ्ते बाद जो अपडेट आने वाला है, उसमें आपको टाइप 71 ब्रोकन नहीं लगेगा, क्योंकि ये टैंक को आप पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आप इस पर एम कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिले डुलेगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, ये टैंक होने वाला है नॉर्मल। तो आप लोग जो भी इसको ग्राइंड कर रहे थे, अगर आप बहुत आगे तक नहीं पहुंचे, मतलब अभी आप अगर TS-7 पर ही हैं, तो फिर TS-7 या TR-8 पर ही हैं, तो फिर आप रुक सकते हैं अभी इसको ग्राइंड करना, क्योंकि ये टैंक अपना मेन जो इसका एडवांटेज था, जो कि था बहुत ही ज़्यादा स्पीड, वो लूज़ करने वाला है। तो दोस्तों, यही वीडियो था, मैं आपको अलर्ट करना चाहता था इस बारे में कि टाइप 71 बहुत बड़ा नर्फ रिसीव करने वाला है अगले अपडेट में, तो फिर आप लोग अगर चाहें तो रुक सकते हैं अभी। और दोस्तों, आप चाहे तो IS-4 ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आपको एक हैवी टैंक की चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा आर्मर कैरी करता हो, तो मेरे हिसाब से IS-4 ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे, क्योंकि IS-4 का टरेट आर्मर इसके टरेट आर्मर से बेटर है, उसका फ्रंट वाला इससे फ्रंट प्लेट से बेटर है, बस ये है कि जिसका लोअर प्लेट है, यानी कि जो सामने का ये लोअर प्लेट आता है, जो कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जो ये छोटा सा लोअर प्लेट है, ये इसका बहुत ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन IS-4 का बड़ा सा है, तो आपको बस लोअर प्लेट छुपाना रहेगा IS-4 में। बाकी IS-4 का साइड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका साइड इतना पावरफुल नहीं है, आप साइड इसको पेंटेट कर सकते हैं, लेकिन IS-4 का आप नहीं पेंट
कर सकते हैं, और साथ में IS4 क्योंकि छोटा टैंक भी है, इसलिए मेरे हिसाब से IS4 इस समय ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा अगले अपडेट से। तो Type 71 दोस्तों अपना जितना भी चार्म है, जितना भी इसको OP बोला जाता है, ब्रोकन बोला जाता है, वो सब लूज करने वाला अगले अपडेट में। यही था ये आज का मैं वीडियो बता रहा था आपको। तो आप सभी को अलर्ट है कि आप लोग अगर चाहे तो रोक सकते हैं इसका ग्राइंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मैं आपको अलर्ट कर दिया हूँ यहाँ पर, बाकी आपकी मर्जी। और कुछ आपको डाउट रिलेटेड किसी भी टैंक से तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।